आपका स्टूडेंट्स, आ गया आयोग का जवाब। परीक्षा मुद्दा यह है कि परीक्षा फिर से होगी या नहीं होगी। अब लीजिए, सचिव साहब तो कह देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, परीक्षा में गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो परीक्षा फिर से करा ली जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ था और जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या वो दोबारा री एग्जाम देंगे तो दोबारा वैसा ही पेपर कर पाएंगे? क्योंकि परिस्थिति विशेष कोई चीज होता है। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में टारगेट को हिट कर देते हैं तो दूसरी बार भी आपके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि समस्या ये नहीं है कि पेपर री एग्जामिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह है कि ये बार बार जो परीक्षा के नकल कदाचार का प्रचलन बढ़ रहा है और परीक्षा के पारदर्शिता पर और उसके सुचिता पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इस पर सरकार को गंभीर विचार करने की आवश्यक है और इस तरह के समस्याओं पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, पता चलता है कि ये लोग जेल भेज दिए जाते हैं, फिर जेल से बाहर आते हैं, इनका फिर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। इनको आजीवन कारावास या फांसी जैसी सजा देनी चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को ये एक उनके लिए नजीर साबित होगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, मुद्दा यह न है कि बार बार परीक्षा को कैंसिल किया जाए, बार बार परीक्षा कराया जाए, मुद्दा यह है कि इस तरह के जो गतिविधियां हैं ये होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी परीक्षा को पारदर्शिता लाया जाए और ऐसी एजेंसियों के माध्यम से परीक्षाएं कराई जाए जहां पर पारदर्शिता हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।